गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। हमारा नेक्स्ट होटल है कलन ग्रुप में। चलो ठीक है दादा, थैंक यू सो मच। तो हमने चेक इन कर लिया है होटल में और देखते हैं हमारा रूम कैसा रूम मिला हमें। ये हमारी बैल्कनी है और ये सामने व्यू आ गया और सामने पूल। होटल नेम भी जाइबिस स्टाइल्स जो कलनगुट गोवा में है और ये 4-स्टार प्रॉपर्टी है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी मेरे को और रूम्स भी काफ़ी अच्छी हैं। रूम सर्विस वो तो देखते हैं कैसी है बाद में। और एक मिनी पार्क है, चिल्ड्रन पार्क स्पेस है, पूल भी है एंड पार्किंग स्पेस इज सो गुड। 2 hours later रेस्ट करने के बाद अराउंड हमने 3 बजे सॉरी 2 या 2:30 बजे करीब हमने रेस्ट करना स्टार्ट किया था और इट्स अराउंड 4:30 है ना टाइम, कितना एग्जैक्ट 5 बजे है और अभी भी धूप काफ़ी तेज़ लग रही है यहाँ पर। 2 से 3 घंटे का रेस्ट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं एक अपने वन मोर कंपेनियन के पास जो कि हमारे होटल के बिल्कुल पास में। हमने एक होटल और बुक किया है तो हम उनके पास जा रहे हैं, उनको पहले हम पिक करेंगे, देन एक स्कूटी हायर करेंगे, 2 स्कूटी हायर करके फिर हम बीचेस वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं इवनिंग में। एंड आज का जो प्लान है वो ये है कि हम आज कुछ क्लब को भी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर हम फर्स्ट क्लब है हमारा टीटोज क्लब, तो हम टीटोज क्लब में भी जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ है वहाँ पर। काफ़ी नाम सुना है और काफ़ी पुराना क्लब है गोवा का। सामने से इधर से तो क्या प्लान है फिर आज का मैडम? ए मैडम। तो ये आने वाला है हमारे दोस्त का होटल जो कि है रिजॉर्ट सेंटा मोनिका। ओके, ये रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छा है। आजा आजा चलते हैं यार, तेरा होटल भी अच्छा है यार, डाइनिंग भी अच्छी है यहाँ पर, क्या बात। ऐसा करते हैं थोड़ा सा भी निकलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, सर घूम रहा है, थोड़ा सर दर्द है, उसके बाद हम जाएंगे बीच पे। बीच पे जाने के बाद थोड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह ये सेशन करके थोड़ी फोटोग्राफी, क्योंकि इवनिंग पे अच्छा भी रहेगा और थोड़ा नहीं ज़्यादा करना है। बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा स्नैक्स में भी देखना, कुछ खाने पीने का मन कर रहा है। Can't find something. क्या लेगा गुड्डू, कॉफ़ी ले लेगा तू? अब तो डायरेक्ट बीच पे जाएंगे इसके बाद। अरे एक काम करो ना, अभी फिर फ्राइज ही बोल दो, चाय और फ्राइज, ठीक है खा लेगा? हाँ वही ठीक है, एक कॉफ़ी, कॉफ़ी एक कॉफ़ी, 2 चाय 1 फ्राइज। सो गाइस अभी हम आए एक स्कूटी हायर करने के लिए, तो ये भैया हमारे जो कि कलनगुट में है साचूज़ के नाम से, तो यहाँ पर इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, नई स्कूटीज़ हैं और कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी है। और नॉर्मल स्कूटी का जो रेंट है वो 300 रुपीज़ है। मैं आपको एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ जो कंडीशंस वगैरह अच्छी हैं। मैंने जो स्कूटी ली है एक ये ली है फसिनो, और इनके पास ये कलेक्शन है, और एक हमने ली है ये स्कूटी विच इज एक्टिवा। चलो शिवानी सेकंड वन निकालो। तो चलो मैं फॉर्मेलिटीज करता हूँ। बढ़िया, तो अगर गोवा में अगर इस तरह की अच्छी स्कूटी मिल जाती है तो चलने में भी स्मूथ है और दिखने में भी स्मूथ, मतलब ट्रिप पूरी हो गई है। थैंक यू भैया। गाइस स्कूटी तो हमारी फाइनल हो गई है, पहला बीच हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर आज जो कि है कलनगुट बीच। मैं तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इस बीच पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा रहता है, देखते हैं आज क्या कंडीशन है। और रास्ते भी देख लीजिएगा, रास्ते कैसे हैं। तो गाइस गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में, ये कलनगुट बीच की पार्किंग है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ये दे रहा हूँ कि अगर आप बाइक से आते हैं और
कलंगुट बीच घूमना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल एंट्री करते ही कलंगुट बीच से पहले जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पर अपनी पार्किंग कर सकते हैं आप टू व्हीलर, और यहाँ पर जो पार्किंग चार्जेस हैं वो है टू व्हीलर 30 रुपीज़। तो गाइज आ गए हम कलंगुट बीच पर पार्किंग के बाद। शिवानी कुछ तुमने एडवेंचरस करना है क्या, स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज? रितिक एनीथिंग इन वाटर एक्टिविटीज? पैरासेलिंग एंड ऑल, बनाना राइड नहीं? जैसे जैसे सनसेट हो रहा है पार्टी का मूड होता जा रहा है, यहाँ पर चारों तरफ म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, बीच पार्टीज रेडी हो रही हैं और धीरे धीरे बियर सज रही है टेबल पर। सो गाइस अगर आपको बीच पार्टी का मज़ा लेना है तो आपको शाम होने का वेट करना पड़ेगा, और जो बेस्ट डेस्टिनेशन है बीच पार्टी के लिए वो है अपना कलंगुट बागा बीच, जहाँ पर शाम होती सज जाती है महफिल। So let me show you the view and the arrangement. ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਆਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਬ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਾਰਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇਖ ਰੋਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਨਾਚਿਆ ਕੂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕੀ, ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੌਂਗਸ ਬਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਜਾਤੇ। मज़ा आ गया, आई लव गोवा, रियली आई लव गोवा। ओके एंड पार्टी का मूड है, साथ होने के बाद कलंगुट आ जाओ, रीजनेबल रेट पर बियर, खाना पीना सारी चीज़ें विद म्यूजिक डांस एंड एवरीथिंग, इट्स लवली लाइफ। सो अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, कुछ कह नहीं सकता कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे प्लान था हमारा कि हम टीटोस क्लब जाएंगे, तो अगर टीटोस क्लब का टाइम बचता है हमारे पास, अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने, एग्जैक्ट टाइम देखेंगे, टाइम देखने के बाद देखेंगे कितना घंटा हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहा तो वी कैन स्किप द प्लान। सो भाइयों बहनों बदन पे पसीना लपेटे हुए, ये आधे घंटे के नाचने का नतीजा है। अच्छा। काश ऐसा डांस मुझे रोज आधे घंटे चंडीगढ़ में करने को मिल जाए। तो ये जो मेरा चिन विन ने फूला हुआ है चेहरा पेट पुट थोड़ा बैलेंस में आ जाएगा। मी टू भाई, अगर टैटूज कराने में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप टैटूज कराना चाहते हैं तो अगर आप टेम्प्रेरी टैटूज कराना चाहते हैं तो आपका 20 रुपीज़ पर इंच के हिसाब से चार्ज होगा कलंगुट में, और अराउंड 100 रुपीज़ आपका परमानेंटली जो टैटू कराते हैं उसका चार्ज होगा। तो टैटूज की कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी महंगी है, जो कि चंडीगढ़ में अराउंड 600 या 700 के करीब जाती है मैक्सिमम। So if you want to have tattoo in your arms and anywhere you want to have, you can come to Kalangut and there are lot of options. So guys, अभी हम आए हैं बागा बीच, बागा बीच के पास जो टोज क्लब है। तो काफ़ी क्लब्स हैं यहाँ पर, अगर आप क्लब के शौकीन हो और क्लब पर शौक रखते हो, अच्छा खाना, अच्छा ड्रिंक, अच्छा नाच, अच्छा म्यूजिक, नाचना गाना, ये सारा इस चीज़ का आपको शौक है तो आप इस रोड पर जरूर आइएगा। ये बागा बीच की तरफ रोड जाती है, और अभी हम यहाँ पर जब पहुँचे थे तो कलंगुट से हम अराउंड ये 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के रास्ते के बाद
मेरा बैटरी लो हो गया था मोबाइल का, तो इसकी वजह से मैं बाकी वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि हम किटोज क्लब में जाएंगे, किटोज क्लब जो कि बागा बीच या फिर गोवा का एक जाना माना क्लब माना जाता है। तो इस क्लब में जैसे हम पहुँचे अराउंड 9 o'clock, तो एंट्री लेना अभी इतना हमें सूटेबल लगा नहीं, क्योंकि अराउंड 10:30 के करीब ये क्लोज होने वाला था। तो मोस्टली जो एरिया है अभी कोविड की वजह से वो 10:30 या मोस्टली 11 तक क्लोज हो जाता है। एक क्लब एरिया है टिटोज, या फिर जो और जो हम एक दो क्लब हमने यहाँ पर क्यू में रखा है जिसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम होटल ही वापस जा रहे हैं। सो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल में। आज का दिन भी बड़ा काफ़ी एन्जॉयमेंट किया हमने, आज के दिन भी काफ़ी फन किया, खाया पिया और बीच पे घूमे, डांस काफ़ी किया। मैं डांस की वीडियो भी अपलोड करूँगा। सेकंड डे हम आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, बाकी डे थर्ड हमारा जो अगला ब्लॉग आएगा वो डे थर्ड का आएगा, वो हम कल से मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। तो उसका शेड्यूल भी मैं कल मॉर्निंग में आपको डाल दूँगा। बाकी आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और तो गुड नाइट, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में। और अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।